नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास मीणा और आप देख रहे हैं माई कंपनी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बुक्स के रिव्यू देता रहता हूँ। दोस्तों बुक्स तो हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन हमें बुक्स पढ़ने से पहले ऑथर के बारे में भी जान लेना चाहिए। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ ऑथर को जानिए, ताकि आप ये जान सकें कि आप वो बुक पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, वो बुक आपके लिए बनी है या नहीं, क्या आप उस ऑथर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, उनकी बातों को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, ये जानने के लिए ज़रूरी है दोस्तों हम ऑथर के बारे में भी थोड़ा सा जान लें। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं एक फेमस ऑथर जोसेफ मर्फी के बारे में। दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जोसेफ मर्फी, जी हाँ, इनका जन्म आयरलैंड में हुआ था दोस्तों, और अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद ये 1922 में अमेरिका आ गए और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक फार्मासिस्ट के रूप में नौकरी करने लगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक रिलीजियस लीडर थे, लेकिन इन्होंने फार्मासिस्ट की नौकरी की है। इन्होंने प्रिस्ट के रूप में काम किया था आयरलैंड में, लेकिन यहाँ आकर इन्होंने अपनी पहचान को बदला और फार्मासिस्ट के रूप में काम करने लगे। इसके बाद दोस्तों इन्होंने भारत का भ्रमण किया। इन्होंने भारत के धर्म में और भारत की फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्ट दिखाया। ये भारत से बहुत प्रभावित थे। ये भारत आए, कई दिनों तक रहे और ये भारत के नागा साधुओं के साथ भी रहकर गए दोस्तों। जी हाँ, भारत के नागा साधुओं के साथ इन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया है, और वहाँ पर इन्होंने जाना कि भारत के धर्म को कैसे विकास हुआ है, भारत का धर्म कैसे बना है, कैसे विकसित हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में जानकर दोस्तों ये गए वापस अमेरिका। इन्होंने वहाँ पर एक चर्च की स्थापना की, जी हाँ, एक हिंदू विचारधारा पर आधारित चर्च अमेरिका में। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अमेरिका में एक ऐसा चर्च बनाया है जो हिंदू विचारधारा पर आधारित है। इसके बाद दोस्तों ये अमेरिकन चर्च ऑफ डिवाइन में एक मिनिस्टर के पद पर भी काबिज हुए, और इसके साथ ही दोस्तों इन्होंने 30 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं। तो आइए हम जान लेते हैं इनकी 5 ऐसी बुक्स के बारे में जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, इनकी 5 बेस्ट सेलिंग बुक्स जो आपको मैं आज बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं दोस्तों उन 5 किताबों के नाम। सबसे पहले नाम जो सबसे ऊपर आता है, इनकी सबसे फेमस बुक्स है, वो है दोस्तों द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ दोस्तों, आपने इस किताब के बारे में सुना होगा, कई जगह देखा होगा, कई दोस्तों को सुना होगा पढ़ते हुए। ये एक बहुत ही फेमस बुक है दोस्तों, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है पावर ऑफ प्रेयर्स। जी हाँ, आप प्रार्थनाओं का कैसे उपयोग कर सकते हैं, वो है इस किताब में, वो बताया गया है। तीसरी किताब है मैजिक ऑफ फेथ। जी हाँ दोस्तों, मैजिक ऑफ फेथ, अगर आप विश्वास करते हैं किसी चीज़ में तो वह जादू में परिवर्तित हो जाता है। तो इस बारे में इस किताब को लिखा गया है जोसेफ मर्फी ने, इसमें मैजिक ऑफ फेथ के बारे में बताया है। तो दोस्तों चौथी किताब जो इस विषय में है, जो आपको पढ़नी चाहिए, वो है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड अदर वर्क्स। जी हाँ, ये चौथी किताब जो बेस्ट सेलिंग रही है जोसेफ मर्फी की, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा पढ़ने के लिए। इसके बाद दोस्तों आखिरी किताब जो जोसेफ मर्फी की मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, वो है हाउ टू अट्रैक्ट मनी। ये दोस्तों सक्सेसफुल बनने के लिए, रिच बनने के लिए किताब है, जो जिन दोस्तों को बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, जो बिजनेस में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, एक बिजनेस मैग्नेट बनना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, वो इस बुक को जरूर पढ़ें। ये बुक बहुत ही अच्छी है, आपको पसंद आएगी और आपको अच्छी प्रेरणा देगी। तो ये थी दोस्तों 5 किताबें, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली किताब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, दूसरी किताब पावर ऑफ प्रेयर्स, तीसरी किताब मैजिक ऑफ फेथ, चौथी किताब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड अदर वर्क्स, 5वीं किताब है दोस्तों हाउ टू अट्रैक्ट मनी। दोस्तों ये 5 किताब जोसेफ मर्फी की आप जरूर पढ़िएगा, और मेरे को कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। धन्यवाद।